What is the formula of super profit? Yes, tell me. Goodwill is equal to 3 years purchase into super profit. We know super profit is equal to AP minus NP. ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट आप कितना ज्यादा अर्न करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से. सो गुडविल, गुडविल ही इज गिविंग 1,12,500. इसमें फॉर्मूला पुट कर रही हूं इनटू 3 इनटू एसपी. एसपी की जगह आई विल बी राइटिंग एपी माइनस एनपी. राइट, आई एम जस्ट पुटिंग इट. 3 से डिवाइड करो 1,12,500. हाँ जी, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, चलो एसपी मान लेते हैं इसको. एपी माइनस एनपी इज इक्वल टू एसपी. करो डिवाइड 3 3 सर. हाँ जी 3 7 सर, 3 5 सर. देखो चेक करो 37,500 है एसपी. अब हम लोगों से पूछा क्या है, व्हाट ही आस्क्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो. अब एसपी के फॉर्मूले में क्या पुट करें भाई, 37,500 इज इक्वल टू यस एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब क्या कर सकते हैं इसको, एपी की वैल्यू हमें गिवन है, सो वो इधर आके माइनस हो जाएगी. 1,20,000 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस का साइन भी कट हो जाएगा. चलो 1,20 में से 20 माइनस किया तो 1,50,000, 17,500 और माइनस करना, देखो 82,500 है नॉर्मल प्रॉफिट. वी गॉट 82,500. अब मैंने क्या निकालना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरे को दे रखा है. आपको पता है कि एनपी का फॉर्मूला क्या होता है, हु विल टेल मी, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, याद रखो फॉर्मूले. देखो इतना लंबा चौड़ा 1 मार्क के लिए आई हैव टू डू, ठीक है, क्योंकि पूछी ही कैपिटल एम्प्लॉयड है. सो नॉर्मल प्रॉफिट आई डू हैव इन द क्वेश्चन 82,500. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10/100 होगा ना इधर, तो इधर जाके क्या बनेगा, 100/10 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड. चेक करो आंसर आता है, 8,25,000 है. यस है फर्स्ट ऑप्शन. एंड चेक फ्रॉम द की एज वेल, यू आर गेटिंग मी. स्क्रॉल करके देखो की में, ठीक है जी 8,25,000. चलो 15th हम नहीं कर सकते, 14th भी नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ आर ऑफ शेयर कैपिटल. राइट, वो भी नहीं कर सकते, नंबर ऑफ शेयर्स का है. चलो 17th पे आइए, कम एट 17th क्वेश्चन. दिस इज मान्या एंड मान्या आर टू पार्टनर्स. वहां पे आपने शॉर्टकट में करना, मेरे को तो आपको समझाना होता है, वहां पे पूरा नाम भी लिखने की क्या जरूरत है, फटाफट करो. V2M is equal to, क्योंकि मिनट आपके पास थोड़े हैं. विनोद has been admitted. Following information has been provided by the firm on the admission of the partner. कहता मैंने ऐसे ही छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना के दिया आपको कैपिटल अकाउंट्स का, जिसमें वान्या का ओपनिंग बैलेंस है. विनोद कितनी कैपिटल लेके आया, जब बाय कैश लिखा है तो विनोद वो कैपिटल लेके आया, बिकॉज विनोद इज द न्यू पार्टनर. फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मैंने दिया और प्रीमियम फॉर गुडविल. बट व्हाट डू यू गेट, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ओनली टू बी क्रेडिटेड इन द कैपिटल ऑफ मान्या. व्हाट इट मींस, ओनली मान्या इज सैक्रिफाइसिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एम आई राइट. प्रीमियम फॉर गुडविल उसी बंदे को जाता है ना हु सैक्रिफाइस, तो ओनली मान्या इज सैक्रिफाइसिंग, मान्या नहीं सैक्रिफाइस कर रही. मान्या उसने लिख दिया नीचे, मान्या मेड नो गेन नो सैक्रिफाइस एंड मान्या सैक्रिफाइस इज 1/6. कोई मेरे को बता सकता है प्रीमियम की वैल्यू कितनी रही होगी, इसका सैक्रिफाइस, मान्या का सैक्रिफाइस 1/6 है. हाँ बोलो, 1/6 सैक्रिफाइस के बदले में उसे 3,000 मिला है. ऊंचा तो बोलो. हाँ बिल्कुल ठीक है, 18 होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, 18 होगा. ठीक है, 18 का 1/6 है, तभी उसे 3,000 मिला. ऐसे किया करते हैं, सेक्रीफाइस जितना होता है उतना. अब हम लोगों से क्या पूछा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो. ऊपर कुछ नहीं कहा, मान्या और मान्या दे आर इक्वल पार्टनर, दे आर इक्वल पार्टनर. नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, मान्या इज सेक्रीफाइसिंग 1/6, इसका न्यूट्रल रहेगा.
ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करूं तो न्यू आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आप करूं, 1/2 माइनस 1/6, किसका मान्य का न्यू शेयर, इसका तो सेम ही रहेगा 1/2 एज इट इज, 12 एलसीएम, 6 माइनस 2, 4/12 बाद में करेंगे, ठीक है। इसका 1/2 है, उसका 4/12 है, एंड व्हाट अबाउट व्हाट एवर शी इज सेक्रीफाइसिंग, वही विनोद ले रहा है ना, जितना इसका सेक्रीफाइस है वही विनोद लेगा, तो विनोद कितना लेगा, 1/6। डिनोमिनेटर सेम बनाइए, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 6/12, ये ऑलरेडी 12 है, यहाँ पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 2/12, 6:4:2 कैंसिल हो सकता है, 3 2s are 2 2s are, देखो है ऑप्शन, डी चेक करो, डी है करेक्ट आंसर, डी है। वन स्टूडेंट की वाला पेज ही निकाल, ठीक है डी है, 3:2:1 डन। चलो गारंटी क्या करते हैं, 18th इज ऑफ गारंटी, पढ़ो अपने आप, ट्राई टू गेट इट। अब इस क्वेश्चन में वो ये पूछ सकता था हाउ मच अमाउंट ऑफ गुडविल ही हैज ब्रॉट, तो मैंने आपको बता दिया, तो जितना एक पार्टी सेक्रीफाइस करती है, अगर वो अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है वही नए बंदे का शेयर बनता है, दिस इज ऑल्सो द अजम्पशन वी मेड। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी होती, वी अज्यूम द पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स, राइट। तो दिस इज 18, अल्बर्ट पीचर, मैं एब्रीवेशन में लिखती हूं ताकि आपको भी हैबिट हो, एपी एंड विलियम आर पार्टनर्स, शेयरिंग इज 2:2:1 डन। इट इज प्रोवाइडेड विलियम का शेयर मतलब डब्ल्यू का शेयर या तो हम ग्रेटर देन रखेंगे या इक्वल रखेंगे 35,000 से, इट इज एश्योर्ड अमाउंट, मीन्स एश्योर्ड प्रॉफिट, मेरे को 35,000 उसको देना है, जितनी भी डेफिशिएंसी होगी विल बी बोर्न बाय अल्बर्ट 35%, ओके 35:65 का प्रोपोर्शन, अगर अल्बर्ट 35 करेगा तो ये 65 करेगा, 5 के टेबल पे कैंसिल करके रखो, 7 5s are 13 5s are, तो इन दिस रेशियो दे आर गोइंग टू मीट द डेफिशिएंसी। चलिए देखते हैं हुआ क्या, लॉस हुआ कि प्रॉफिट, प्रॉफिट ही हुआ। चलिए जी W का शेयर निकालो, बस हमसे पूछा क्या, डेफिशिएंसी बोर्न बाय पीटर सेकंड वाले पार्टनर की, 15,000 का 1/5, इसी बेचारे को तो 3,000 मिल रहा है, वी तो प्रॉमिस हिम कि हम तेरा प्रॉफिट कभी भी 35 से कम नहीं होने देंगे, व्हाट इज द डेफिशिएंसी, 32,000, हु इज गोइंग टू बेयर, बोथ द पार्टनर्स, लेकिन मेरे को पीटर का सिर्फ बताना है, तो पीटर के प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, इनटू 13/20, एम आई राइट, 16, 13 से मल्टीप्लाई करो 16 को, हाँ 13 6 78, 7 कैरी 20, 20,800 ऑप्शन है, डन, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, होनी चाहिए वही, ठीक है अभिषेक चेक कर लो, डन। चलिए जी 19th पे आते हैं, एडमिशन का है ना, यस 19th करिए, रीड 19th क्वेश्चन एवरीवन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स इज टू वाई आर पार्टनर्स, देयर शेयर इज 7:3, दे एडमिटेड के फॉर 1/6 शेयर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द के फॉलोइंग सिचुएशन वॉज फाउंड, स्टॉक वॉज, स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट, चलो पहले स्टॉक की वैल्यू देखते हैं, बैलेंस शीट में स्टॉक 55,000 का था, हुआ क्या, सम पार्ट ऑफ द गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 हैज बीन बैडली डैमेज्ड एंड ओनली 10% रियलाइज्ड, ओके 8,000 का स्टॉक पूरी तरह से इसमें से डैमेज हो गया और उसका मिला कितना सिर्फ, पहले 8 इसमें से माइनस करें तो मीन्स 47,000 का बचा, जो मिला मेरे को लगता है वो तो कैश होगा, यही होगा, मैं तो ये मान के चलूंगी, बाकी देखते हैं इसका, इसमें से 8,000 का डैमेज हुआ, इट मींस क्या 47 का रहा, जो डैमेज हुआ उसका कितना मिला सिर्फ 10%, 800 मिला, तो कैश बढ़ा देंगे, इसका थोड़ा ना कुछ करना, ठीक है ना, मार्केट में कबाड़ के भाव में वो बिका होगा, फर्नीचर वॉज ओवर वैल्यूड बाय, ओके अंडर वैल्यूड बाय 20%, और बैलेंस शीट में ये दे रखी है वैल्यू, ये कितने के पीछे है, अब तो पता चल गया हुआ है, ये कितने के पीछे है,
अंडरवैल्यूड है ना ये, कितने, ये 80 के पीछे है ना, 80 है ना ये, तो मैंने इसको 100 पे लेके आना है या 20 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने से इंक्रीज कर देंगे, जैसे मर्जी करो। चलो बताओ मेरे को, 20 से कर लेते हैं, 4 पे, 4 7 सा 4 2 सा 7200 से मेरे को फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है। पूछा ये सारा कुछ नहीं है, वाई का शेयर बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन पे। रीवैल्यूएशन में दो एंट्रीज आ रही बेटा, ठीक है। अब मेरे को वो कैश का डाउट है कि 800 का गड़बड़ ना करे कुछ भी, नीदर प्रॉफिट नोर लॉस तो नहीं लिखा, निल है वैसे। आंसर चेक करो, फिर देखते हैं स्टॉक का क्या किया, क्योंकि अगर मैं 800 को रिवैल्यूएशन में डालती हूँ, हाँ निल है, उससे पता क्या माना होगा, ओवरऑल 8000 का वैसे नुकसान हुआ, 8000 में से मिल कितने का गया, 800 का मिल गया, तो ही इज डिडक्टिंग 7200। एक नई बात लाइन पढ़ो, स्टॉक अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट इज 55,000, स्टॉक वर्थ रुपीज 8,000 इज डैमेज्ड, बैडली डैमेज्ड, और उसे जब मार्केट में बेचा तो उसका 10% मिला, 8000 के बदले में उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी, 800। इट मींस कि ओवरऑल स्टॉक की वैल्यू 7200 से डाउन हुई, दिस इज व्हाट ही अज्यूम, ठीक है ना, 8000 के बदले में 800 को मिल गया ना, सो आई शुड डिडक्ट आउट ऑफ दिस 7200, 7200 और कितनी वैल्यू रह गई, अब इधर भी 7200 है, ठीक है, तो ये वैल्यू बढ़ानी है, ये वैल्यू कम करनी है, तो इधर लिखेंगे टू स्टॉक बाय फर्नीचर एंड अमाउंट इज सेम, सो दैट्स व्हाई नीदर प्रॉफिट नो, ठीक है जी। एक आइटम 7200 से कम हुई है, दूसरी आइटम 7200 से बड़ी है, बैडली डैमेज वाला नया पॉइंट है, हमने कभी भी अपनी बुक में ऐसा नहीं देखा। कम एट 20th, युवराज एंड विनोद, सी 20th क्वेश्चन फ्रॉम योर सैंपल पेपर। यस, लेट्स सी, युवराज एंड विनोद, दैट इज वाई एंड बी are two partners, their profit sharing ratio is 5:3. Mayank means M has been admitted. He is going to take 2/10 share, half of which is gifted by Yuvraj and remaining share is taken by Mayank. Okay, good question. Aisa hai hamari book mein. He is coming, yes. Ek banda do bar karega. Hai na? Iska half, matlab iska 1/2. कैंसल नहीं करना, मैंने सिखाया, मींस 2/20, 2/20 युवराज से लिया, बाकी भी 2/20 रह गया हाफ, अब उसका आगे हाफ, ठीक है, ये बना 2/40 एंड 2/40 इक्वली क्या है ना, तो इसे मैंने इसको 1:1 में डिवाइड कर दिया, किससे लिया, युवराज और विनोद से, जो भी नाम। इट मींस कि युवराज इज सेक्रीफाइसिंग 2/20 प्लस 2/40 and Vinod is just sacrificing 2/40. हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन कुछ और ही बना दिया। फर्म की गुडविल है 60,000. मयंक की ड्यूटी बनती है अपने शेयर ऑफ गुडविल लेके आने का। पूछा क्या है? How much premium of goodwill is? Yes. पहले तो ये देखो 2/10 लेके आएगा वो। He should bring 12,000. लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा? अगर नहीं भी लेके आता तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना है कैश में, है ना? तो हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करना होता है इनको। 12,000 में से कहता है युवराज को कितना मिलेगा, पहले सेक्रीफाइस दोनों का कैलकुलेट कर दो। युवराज का सेक्रीफाइस 2/20 प्लस 2/40 है, 40 और 20 का एलसीएम 20 आता है कि 40 आता है, 40, 4 प्लस 2 6/40, और दूसरे का सेक्रीफाइस कितना है 2/40, 40 हटा दो 6:2, दैट इज 3:1, दिस इज योर सेक्रीफाइस। 12,000 में से युवराज का 3/4 होगा, देखो 9,000 है, 9,000 ऑप्शन है, देखो ए करेक्ट है। एंट्री क्या करोगे, क्या कैलकुलेशन देखो, फिर मैंने ठीक करी है, 2/10 फॉर 2/10, 12,000 का 2/10 ये मैंने ठीक किया, 60,000 का 2/10 ये 12 ही बन रहा है। युवराज का शेयर पूछा है, युवराज इज माय फर्स्ट पार्टनर ना, 12,000 60,000 में से शेयर निकाला ना ये बंदे का, 60,000 इज फर्म्स गुडविल,
चलो दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को. Mayank is admitted as a new partner to 10 of profit, half of which is gifted by Yuvraj. इसका हाफ मैंने कर लिया 2/20 और रिमेनिंग भी बचा 2/20, 2/20 का हाफ युवराज और विनोद. तो विद व्हाट अमाउंट युवराज कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड? 12,000 का इसका 3/4 ही बनता है. करो कैलकुलेशन चेक, दोबारा देखते हैं. युवराज ने दो बार किया ना सेक्रीफाइस. अगर युवराज का 9 है तो दूसरे का 3 आना है. युवराज सेक्रीफाइस ट्वाइस. लाइन ये वाली ध्यान से पढ़ो. Mayank इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय युवराज एंड रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय Mayank फ्रॉम युवराज एंड विनोद इक्वली. पता क्या, मेरे को लगता है जो गिफ्टेड वाला पोर्शन है ना उसको हम कंसिडर नहीं करते. ये मैंने कहीं पे पॉइंट पढ़ा है गिफ्टेड वाला, पर फिर इक्वल आना सेक्रीफाइस. हम आप क्या कह रहे हो, आप बताओ सेक्रीफाइस नहीं ठीक है? आपके सामने ही है 2/10 का हाफ, हाँ 2/20 और बाकी जो बचा हाफ उसका आगे हाफ हाफ, यही बोला उसने 2/20 का हाफ 2/40 ही है ना. ये मैंने ऐड ठीक किया 2/20 प्लस 2/40. आपने बोला 40 एलसीएम है, यहां पे मैंने कुछ गड़बड़ ना की हो. 2/4 प्लस 2 6/40, दूसरे का 2/40 है 6:2 3:1. कैलकुलेट करके देखना, मेरे को लगता है ऑप्शन गलत भी हो सकती है. सिंपल से क्वेश्चन में थोड़ा हम गलती करेंगे. अगला पढ़ो. रीड नेक्स्ट 21st जर्नल एंट्री वाला है. थ्री इज टू वन आपकी कितनी है? उसने बात ही सेक्रीफाइस की करी है ना. वट एवर दे सरेंडर दैट इज योर सेक्रीफाइस है ना. चलो 21st देखो. एक्स इज टू वाई, थ्री इज टू टू, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर. Following situation was found at the time of admission of Z. Outstanding expenses 15,000 है. Means a liability है. Out of these expenses 40,000 paid now. क्या entry होगी? 40,000 अभी pay कर दी. Identify the correct entry. आप बताओ पहले. Firm के पास 15,000 पड़े हुए outstanding expenses. उसमें से 40% मतलब 6,000 firm pay करती है. क्या entry होगी? Outstanding expenses account debited to cash. बस. देखो ये option है. हाँ लास्ट वाली डी चेक करो. डी ही करेक्ट होना चाहिए बिकॉज नोबडी इज टेकिंग इट ओवर. ठीक है, फर्म इज पेइंग इट ऑन इट्स ओन. एक लायबिलिटी की पेमेंट की एंट्री क्या होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो. ये सिंपल प्लस वन की एंट्रीज हैं. इसका यहां पे कोई लेना देना. डी ऑप्शन इज करेक्ट. अभिषेक चेक किया ऑप्शन, 21st का डी ऑप्शन करेक्ट है. चलो 22nd पे आओ. assertion reason चलो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट चैप्टर में से है. जर्नली द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड. इस बात से एग्री करते हो? जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस सेम रहते हैं. बट इट मे शो अ डिक्रीज इन द बैलेंस शीट इन रिस्पेक्टिव ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. हाँ कब कब कम हो सकती है? व्हेन विथड्रॉल ऑफ कैपिटल विल बी देयर. व्हेन इट कैन गेट इंक्रीज्ड when additional capital introduced. देखो क्या लिखा. Fixed capital account balance will reduce when a partner withdraws for personal use from his capital. Both are correct and the reason is the best explanation of A. मेरे साथ से B option. Yes, इसने A नहीं. मैं इसको A बनाती हूँ ना जब test में डालती हूँ. Correct explanation वाला इसने उसे B बनाया.
यू कैन चेक फ्रॉम योर की, इट इज बी ऑप्शन। ठीक है सर, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला किस चीज का है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है? चलो देखें 23rd। आप समय का आप क्या ढूंढ रहे हो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री नहीं है बुक में कहीं पे भी, आप क्या ढूंढ रहे हो? वैसे घर जाके कर लेना दोबारा, और सही आंसर निकलेगा तो बता देना मेरे को, अदरवाइज मेरा ठीक है मेरे को ना। हाँ हाँ 9 और 3 है ना उसका था, मेरे को लगता है उससे भी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। हाँ तभी मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। गिफ्टेड का भी अगर मैं मान के चलूं तो फिर इक्वल बनती है सेक्रीफाइसिंग, तो भी नहीं बात बनती। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पहले उनकी है 3:2:1, अब उन्होंने डिसाइड किया है 2:2:1। इस लाइन का क्या मतलब है? दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग रिवैल्यूएशन, बुक में है क्वेश्चन, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या मतलब है इसका? मींस आपने एंट्री गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग से करनी है। एसेट का बढ़ना, नेट इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसेट का बढ़ना प्लस, एसेट का कम होना लॉस है माइनस, लायबिलिटी का बढ़ना माइनस, लायबिलिटी का कम होना प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस करके नेट इफेक्ट निकालिए, और उससे पहले गेन और सेक्रीफाइसिंग निकालिए। फॉर्मूला में सेक्रीफाइस का ही लगाऊंगी, 3/6 - 2/5, 2/6 - 2/5, 1/6 - 1/5, चलो जी 30, 15 - 12, 3/30, 30, 10 - 12, -2/30, ही इज गेनिंग। हाँ जी सर बोलना कुछ। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग से एंट्री होती है ना, व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू चेंज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। इसका भी गेन ही होगा मेरे को लगता है, -1/30 होगा, 5 - 6, that is -1/5. So he is going to be credited in the entry. These two are to be debited in the entry. But with what amount? For that, I need to calculate my net effect. देखो, 4 number का question, 1 mark में डाला है. You have to manage your time. हाँ, machinery बड़ी plus 1 lakh plus difference निकालते जाओ. Furniture कम हुआ, 90,000 आ गया, 10,000 minus. सन्डी क्रेडिटर्स कम हुए प्लस 5,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए 15,000 माइनस। एनी डाउट? प्लस माइनस क्यों किया पता चल गया? एसेट का बढ़ना फायदा है इसलिए प्लस करना है, लायबिलिटीज का बढ़ना नुकसान है इसलिए माइनस करना है, बाकी वाइस वर्सा। चलो आप 1 लाख कह रहे हो, उसको छोड़ो, मेरा बताओ इधर 25 माइनस होना 75, 80 आना, 80,000, 110 कैसे आ रहा है? चलो मेरे को एंट्री करवाओ, डिस्टर्ब नहीं करो। 80,000 का 3/30 मतलब 110, हाँ यहाँ पे 110 कह दो। 8,000 से एक्स क्रेडिट होगा, 2/30 मीन्स 1/15, वो कैंसिल करवाओ, 80,000 का 1/15 और 80,000 का 1/30 कितना? दोबारा बोलो, मैं कुछ नहीं किया, आपने बतानी कैलकुलेशन। हाँ तो फिर निकालो ना, 5 3 सा पॉइंट्स में आ रहा है, और ये भी 5 पे जाएगा, 16 को 3 से करो, 3 5 सा 3 3 सा इतना, देखो इतना है, 5 3 3 है, बी ऑप्शन होगी फिर। ठीक है जी, चेक कर लो, बी ऑप्शन ही करेक्ट होनी चाहिए। अब अगला तो खुद निकालो, ड्राइंग्स वाला मैंने आपको करवाया हुआ फंडामेंटल्स में से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पूछी, देखो कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने बताई आप परसेंटेज निकालो, अप्लाई योर माइंड, 24 सॉल्व इट। हर क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन है और हर क्वेश्चन स्मार्टली फ्रेम किया गया है। विनोद विड्रू 6,000, पहले तो 6 महीनों के लिए है ना,
मतलब पहली सितंबर से इसने करना शुरू किया होगा, एट द एंड है, एट द एंड है तो 5.5 महीने का लगाते हैं, पर 5.5 का यहाँ पे थोड़ा लगेगा, वो तो पूरे साल का होता है। तो जब हम 6 महीने का लगाते हैं एट द एंड, 5 + 0 ढाई महीनों का लगा, है ना। इट मीन्स कि 6000 × 6 × बोलो 2.5, मैंने नीचे 120 कर दिया, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, मेरे को नहीं पता, दिस इज क्वेश्चन मार्क। और ये सारा कुछ कर करा के कहता 375 पे, कांट यू कैलकुलेट मिसिंग वैल्यू लाइक दैट वे। फॉर्मूला माइंड में है, कोई बात नहीं, जो चीज दी है वो पुट करो, जो नहीं दी वो क्वेश्चन मार्क है, करो सॉल्व। कितना बना? 750, ठीक है, उधर जाके माइनस होगा, 750 थोड़ा ना बना, 7500 बना, है ना। कोई बात नहीं, मैं इधर से जीरो वो भी काटूंगी साथ में, रेट में बाद में निकालती हूँ, मैं इधर से ये भी निकालूंगी, ठीक है, जीरो कैंसिल हो सकती है ना। चलो जी, 75 उधर जाके माइनस करना मेरे लिए बहुत आसान है, 300 × = rate, नहीं कैसे 5% आया, नहीं रेट मैंने वो तो कर दिया, उसकी जीरोस मैंने कैंसिल कर दी। हाँ बताओ क्या क्या मेरी क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे, व्हाट आई डिड, बताओ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन है, वेरी मच राइट, 75 से डिवाइड हो, तो 75 5 सा 375 होता है, 5% देखो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बस यही तो, हाँ तभी तो एनालिटिकल बना दिया हर क्वेश्चन को। सीए के आते थे ऐसे पेपर, सीपीटी। चलो अगला करो, सब्जेक्टिव ही रहना चाहिए था, ऐसे बच्चों का बर्डन बढ़ा दिया। सीबीएसई कहते हैं आपने पिछला साल पूरा रिलैक्स किया, अब आपको 2 सालों की मेहनत करनी पड़ेगी, सारे पेपर घर बैठ के आपने चीटिंग करके किए। मैं assertion and reason पहले करवाती हूँ, ये calculation based है ना, assertion पढ़ो। At the time of admission of a new partner, he brings premium for goodwill which is distributed among the sacrificing partner, ठीक है line? By bringing premium for goodwill, a new partner compensates all the, बिल्कुल ठीक है। तो रीजन इज ऑल्सो ठीक है, तो देखो जी कौन सा होगा, दिस टाइम इट इज ए ऑप्शन, ठीक है, चलो वो करते हैं, जितना टाइम रहता है उसमें करते हैं। वी हैव टू पार्टनर्स, इट इज माई 25th क्वेश्चन, केशव एंड विनोद आर पार्टनर्स, केशव इज टू गेट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, केशव को 10% नेट प्रॉफिट पे मिलनी है बिफोर चार्जिंग, विनोद ये भी बुक में है क्वेश्चन, जब 2 की कमीशन दी होती है, विनोद को कमीशन मिलनी है, वो भी 10% मिलनी है, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मींस उसकी अपनी कमीशन भी, तो 10/110 होगा, राइट। केशव कमीशन इज गिवन, ओके, केशव की कमीशन दे रखी है, प्रॉफिट दिया नहीं, देखो सारे क्वेश्चन में कैसे करें, 16,500 = नेट प्रॉफिट इंटू ओवर 110, पर इस नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करनी है, केशव की कमीशन ना, केशव की कमीशन के बाद का था ना ये नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माइनस केशव कमीशन, तो केशव कमीशन यू कैन अज्यूम एक्स, वैसे तो 2 चीजें निकालनी है, यहां पे प्रॉफिट ही आएगा। करें इधर मल्टीप्लाई होगा, और नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है, 110 ही आना, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस है, तो केशव का थोड़ी ना फॉर्मूला लगा रही हूं मैं, तो उसका लगा रही हूं, अच्छा केशव की दे रखी है, देन टू इट इज इजी, 16,500 = नेट प्रॉफिट इनटू 10/100, गुड, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 1,65,000। आप ये वाली कमीशन, ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आया, इसमें से 16,500 माइनस करो,
क्योंकि विनोद को केशव की कमीशन माइनस करने के बाद वाला नेट प्रॉफिट मिलना है, करो माइनस 005 14 8 15, मान ले 48,500, इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इनटू 10 डिवाइडेड बाय 110, देखो 11 पे जाता है, 11 वन्स आ, 11 थ्रीस आ, 5, 11 फाइव्स आ, 13,500 आंसर है, 13,500 आंसर होगा, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं पहले स्टेप पे मिस्टेक कर रही थी, केशव की तो है ही 10 डिवाइडेड बाय 100 थी, जबकि विनोद की 10 डिवाइडेड बाय 110 है, ये अच्छा क्वेश्चन था, सेटिस्फैक्टरी है। 27th वी कांट डू, 28th भी नहीं कर सकते, 29th पढ़ो, विनोद कृष एंड माधव स्टार्टेड देयर पार्टनरशिप, पहली बार क्वेश्चन ऐसा है कि अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, दिसंबर को हुआ, ठीक है, और तीनों ने कैपिटल लगाई 6,00,000, 4,20,000 and 3,00,000 ऑन एक महीने के बाद, सॉरी दो महीने के बाद, दिसंबर भी गया, जनवरी भी गया, फरवरी में क्या हुआ कि हम तीनों अपनी कैपिटल 4,50,000 कर लेंगे, तो पहला तो विड्रॉ करके ले जाएगा, दूसरा 30,000 ले आएगा, देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन तो नहीं है, चलो वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरूर करेंगे 30-31 तक, कुछ 3-4 ट्राई करके ना फिर बिजनेस स्टडीज करेंगे। 30th is of share capital, ना 31st भी share capital,